तो मैम मोहम्मद अमर और आप देख रहे हैं लाफ एसोसिएट। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ जो कि घर की है, बहुत ही आलीशान और बहुत ही ज़बरदस्त घर। तो आपको ये मैं थोड़ा सा, अब देखें माशाल्लाह कितना प्यारा घर है। ये बरी टाउन फेजेट उस्मान ब्लॉक में वाक़ है ये। तो आपको, और इसके बाद आप देखें ये स्ट्रीट है, ये सामने ये पार्क है, ठीक है। इधर से बिल्कुल वो सामने कमर्शियल भी आपको मेरा कैमरा मैन दिखाएगा, वो उमर हाइट्स। ये साथ ही सब कमर्शियल है, साथ ही डॉक्टर एक कॉलेज है। आई मैं इसका आपको छत से व्यू कराता हूँ एक जी। इस टाइम ये देखें मैं छत के ऊपर मौजूद हूँ। ये सामने ये पार्क आ जाता है, ये टैंकी मैंने नीचे भी आप लोगों को बताया। उसके बाद आप देखें इस तरफ ये एयर फाउंडेशन स्कूल भी है, साथ साथ इधर इस तरफ ये रफी क्रिकेट स्टेडियम आ गया इंटरनेशनल, और इसके साथ बिल्कुल ही डॉक्टर ए क्यू खान कॉलेज है और स्कूल भी है। उसके बाद अगर बात की जाए हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल वो देखें सामने बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी आपको नज़र आ रही है। तो स्कूल, कॉलेज और आपको हॉस्पिटल यहाँ पे नज़दीक तरीन मिलता है। इससे अच्छा ज़बरदस्त घर नहीं है। आए आपको इसके घर की कंप्लीट टूर कराते हैं। जैसे हम घर के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये रैंप हमारा अच्छा खासा खुला। उसके बाद जैसे ही आप एंटर होते हैं तो इस तरफ आपकी ये गैराज आ जाता है। यहाँ पर आप गाड़ी पार्क, एक आराम सुकून से गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और छोटी गाड़ी दो भी हो सकती हैं। उसके बाद इस तरफ आप देखें तो यहाँ पर आप ये भी आपको थोड़ा सा खुला एरिया मिल जाता है यहाँ से। उसके बाद जैसे ही आप इसके अंदर एंटर होते हैं, अच्छा इस घर की खास बात यह है कि ये डबल यूनिट है। अगर आप इधर दो फैमिलीज भी रहना चाहे तो आराम से रह सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी किचन है तो नीचे भी किचन है। यहाँ से अगर कोई सेपरेटली ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। और इस तरफ आप जैसे ही एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपका ये ड्राइंग आ जाता है। ये ड्राइंग आ गया, जी ये हम टीवी लाउंज में आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खुला टीवी लाउंज है। ये आपकी मीडिया हॉल आ गई, यहाँ पे आप सोफा वगैरह लगा के टीवी भी देख सकते हैं, साथ चाय भी एंजॉय कर सकते हैं, या खाना शाना वगैरह जो भी बच्चे सच्चे बैठ के इधर एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद हम आ गए ओपन किचन में। माशाल्लाह देखें जी बहुत ही प्यारा किचन बना हुआ है अपन। आप देखें माशाल्लाह कबर्ड्स बिल्कुल रेडी हैं, स्टोव लगा हुआ है, और मेरा ये कैमरामैन थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाओ। किचन के साथ आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको वॉशिंग एरिया भी मिल जाता है, यहाँ पे आप कपड़े वगैरह भी बिछा सकते हैं या धो सकते हैं। ये भी एरिया आपके लिए है, देखिए माशाल्लाह काफी खुला है। हम इस टाइम आगे ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम नंबर 1 में आए। मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीज दिखाता हूँ। ये वेंटिलेशन के लिए इन्होंने रखा है हवादार, ताकि रूम के अंदर हबस ना हो सके। ये बहुत ही अच्छी एक चीज़ है। उसके साथ आप देखें माशाल्लाह कबर्ड्स बहुत अच्छी, यहाँ पे आप कपड़े वगैरह ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखें माशाल्लाह कितना खुला वॉशरूम है। जी अब हम आगे बेड नंबर 2 में, आप ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खुला रूम है, और ये देखें कबर्स यहाँ भी बनी हुई है, तो बिल्कुल अभी शीट्स तक नहीं उतरी, आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल नहीं। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं बहुत ही खुला वॉशरूम।
हाँ जी, अब आपको मैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके जाता हूँ जी। जैसे ही हम ऊपर आते हैं चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा बार बार हुआ है। और ये चेक करें लोहे कुरानी कितने प्यारे माशाल्लाह डिजाइन हुए हैं। उसके बाद आप ये वॉल चेक करें जो कि हमारा ड्राइंग रूम है फर्स्ट फर्स्ट पोर्शन का। ये देखें कितनी प्यारी इन्होंने वॉल डिज़ाइन की हुई है। उसके बाद ये देखें मीडिया वॉल, ये कितनी प्यारी इन्होंने डिज़ाइन की हुई है, चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं कि ये इस तरफ आपका ये इन्होंने ग्लास यूज़ किया हुआ है ताकि जो टीवी लाउंज के अंदर रोशनी रह सके जी। जैसे ये अब फर्स्ट फ्लोर पे हम बेडरूम नंबर वन में आके चेक करें, इसके साथ ही ये कबर्ड्स आ गई और साथ ही ये बाथरूम आ गए। जी ये हम आगे बेड नंबर टू में चेक करें, ये साथ इसकी कबर्ड्स आ गई और ये वेंटिलेशन के लिए आ गई और साथ ये वॉशरूम आ गया। जी हम बेडरूम नंबर थ्री में आ गए, ये हमारी कबर्ड्स आ गई। जैसे वो नीचे बेडरूम नंबर टू था इसी तरह ये बेडरूम नंबर थ्री है, साथ ही वॉशरूम आपका आ गया। जी ये माशाल्लाह जैसे हमारा ग्राउंड फ्लोर पे किचन था ऐसे ही हमारा फर्स्ट फ्लोर पे किचन है, चेक करें सेम वैसे ही। जी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल को फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।